अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपको पास रेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। सफ़र मेरा जारी सारी था और स्पीजन जंक्शन के बाद जो मेरा अगला रेलवे स्टेशन था वो कोलपुर रेलवे स्टेशन था और मैं कोलपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास था। जैसा कि आप इस देख सकते हैं 15 का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पर यहाँ से ट्रेन गुजरेगी। और ये रही पहली टनल जो कि कोलपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और इसकी एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही बहुत प्यारी हैं और ख़ास तौर पे इसकी खूबसूरती विंटर्स में देखने वाली होती है जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है। सारा इलाका आपको वाइट नज़र आता है, बिल्कुल सफ़ेद पहाड़, सफ़ेद मैदान, सफ़ेद स्टेशन। अगर आपने वाइट विंटर में कोलपुर रेलवे स्टेशन देखना है तो मेरी जनवरी की वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये रहा कोलपुर रेलवे स्टेशन का बोर्ड, वो रहे रेलवे क्वार्टर्स और बहुत ही खूबसूरत जगह, वर्थ वॉचिंग, वर्थ स्पेंडिंग टाइम। कोयटा कोलपुर कोलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद डिसाइड किया कि उन्होंने आपको कोलपुर रेलवे स्टेशन के एक वाहिद प्लेटफॉर्म का व्यू दे दूँ। ये रहा कोलपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। फिर वहाँ पे स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी आप देख सकते हैं, फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी उधर ही है और इसके वहाँ लोड़ी से फासला भी लिखा गया है, फिर सत्ता समुंदर से इसकी बुलंदी भी लिखी गई है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही इसका प्लेटफॉर्म नंबर लास्ट है। मौसम यहाँ पे हर वक्त खुशगवार होता है, मतलब आप सर्दियों में तो ऑब्वियसली ठंडा होगा लेकिन अगर गर्मियों में आप लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं आपको सारे रास्ते में गर्मी मिलेगी, लेकिन कोलपुर रेलवे स्टेशन का एक वाहिद रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मौसम आपको खुशगवार प्लेजेंट मिलेगा। इवन के आपको कोल्ड ब्रीज भी मिल सकती है। अभी सिग्नल जो है वो अप है, मतलब मैं और ये सिग्नल डाउन हो गया, मैं मतलब कि मुझे फौरन ही अब वापस पहुंचना है, उससे पहले मैं एक इंजन का व्यू ले लूं और उसके बाद मैं वापस अपने बोगी की तरफ जाऊंगा। ये रहा इंजन, अब चूँकि मैं आपको एक हिस्सा तो दिखा चुका था प्लेटफॉर्म नंबर 1 और वही जो प्लेटफॉर्म है, तो सोचा क्यों ना मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाऊं। हम सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने व्यू लिया है, ट्रेन चल पड़ी थी तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, विसल हो गया था। आई एम सॉरी, मैं आपको दूसरा हिस्सा प्रॉपर्ली नहीं दिखा सका और हम लोग निकल पड़े हैं कोलपुर रेलवे स्टेशन से। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो मच रेलवे स्टेशन का स्टॉप होगा। कोलपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग, ये स्टोर, ये माल गोदाम, बत्ती गोदाम, हम नॉर्मली जो पुराने रेलवे स्टेशन, खूबसूरत सी बनाई गई मस्जिद कोलपुर रेलवे स्टेशन पर। अच्छा काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और मेरा एक दूसरा चैनल भी है रेल फैनिंग पाकिस्तान के नाम से। आप अगर सर्च करेंगे रेल फैनिंग इकट्ठा और स्पेस डाल के पाकिस्तान तो आपको वो चैनल दिखाई दे देगा, रेल फैनिंग पाकिस्तान। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं बैकअप दोनों चैनल्स पर काम कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज में दोनों की वीडियोज़ आएंगी। और इस वक्त हम लोग निकल पड़े हैं, मेरी जो बोगी थी बोगी नंबर 10 थी और
चार से पांच बोगी सिब्बी जंक्शन पे जाकर मज़ीद अटैच हो जाएंगी। सिग्नल डाउन है, इसका मतलब वी आर गुड टू गो। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट अभी आएगा जहाँ पर ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन है कि वो यहाँ पर अपनी ब्रेक चेक करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ से मुसलसल सिब्बी तक स्लोप है। आबे गुम तक तो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह अगर आपने मेरी पहले कभी कोई वीडियो देखी है कोयटा सफ़र की, तो उसमें आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं सिब्बी से कोयटा की तरफ, तो आबे गुम से कोलपुर तक बंकर इंजन एक लगता है। ये ब्रेक चेक ही है। थोड़ी देर यहाँ पर रुका, ब्रेक चेक ही हूँ, फिर आगे। ये इस वक्त जो नेशनल हाईवे है जो कि कोयटा से सिब्बी को कनेक्ट करती है, वो वहाँ पे गुजरते हुए आपको ट्रक बसेस आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसकी वजह जो है वो ये है कि ब्रेक चेक करने की, कि बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो ड्राइवर यहाँ पे एक दफ़ा अपनी ब्रेक चेक कर ले, कोई उसको इशू नज़र आता है उसको यहीं पे सॉल्व कर ले। एक इंसिडेंट एक ऐसा हुआ हुआ है मच्छ रेलवे स्टेशन के पास, जिसमें जाफर एक्सप्रेस की 5-6 बोगीज एमरजेंसी लाइन में जाने के बाद बहुत ज़्यादा ऊँचा गई थी, और फिर नीचे वो जिसमें बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ उसमें। अल्लाह ताला मकसद करे उनकी और सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये देखें स्टॉप टेस्ट ब्रेक्स, और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है 30 किलोमीटर पर आ रहा है। खैर, ये अभी तक का मेरा जो रेलवे स्टेशन है वो मैंने आपको दिखाया, कोलपुर तक का रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे क्या चीज़ें, वो भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र है। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।